जाड़ला पुलिस नूं मिली है वड्डी सफलता। जाड़ले नहर दे नेड़े पुलिस ने नाकेबंदी करके टाटा 407 गड्डी चों 80 शराब दीआं पेटियां अते I-20 कार चों 10 शराब दीआं पेटियां कीतीआं हन बरामद। किसे मुखबर ने पुलिस नूं दित्ती सी गुप्त सूचना, पुलिस ने कीती नाकेबंदी ते हुण इह 2 लख दी तकरीबन 2 लख रुपए की शराब की गई है इन्हां 2 गड्डियां चों बरामद। गुरदास मान उर्फ बब्बू नाम का ड्राइवर चला रहा सी टाटा 407 अते राजा कुमार, ये दोए मौके ते कीते हन जाड़ला पुलिस ने गिरफ्तार। पुलिस ने कहा 3 दिन का रिमांड मंगांगे ता जो जिहड़े बाकी होर आंसर आ जिहड़ी होर चेन आ उस बारे भी पता किया जा सके। सत श्री अकाल जी, पीपत्ती नवांशहर देख रहे हो, मैं दिनेश सूरी। जिला नवांशहर पुलिस को एक वड्डी कामयाबी मिली है। जाड़ला पुलिस ने एक वड्डी कार्रवाई करदिया होया टाटा 407 गड्डी चों 80 शराब दीआं पेटियां, I-20 कार चों 10 शराब दीआं पेटियां, टोटल 90 पेटियां जिहड़ियां आ उह बरामद कीतीआं। खबर का पूरा वेरवा दे दईए तां चौंकी इंचार्ज जाड़ला बिक्रमजीत सिंह नूं एक मुखबर गुप्त सूचना दिंदा है कि चंडीगढ़ तों धोखे नाल जिहड़ी शराब लियाई जा रही है ते उसकी तस्करी होनी है। बिक्रमजीत सिंह अपनी टीम नाल नाकेबंदी करदे हन ते टाटा 407 अते I-20 गड्डी नूं काबू करके दोनों विच्चों 90 पेटियां, जिवें मैं पहला दस्सिया टाटा 407 विच्चों 80 अते I-20 विच्चों 10 शराब दीआं पेटियां बरामद करदे हन अते 2 व्यक्तियों नूं फड़ भी लैंदे हन जिन्हां विच्चों इक दा नाम है गुरदास मान उर्फ बब्बू। बंदा एक पर नाम दो रखी फिरदा, नाम वड्डे 2 कलाकारां दा गुरदास मान अते बब्बू। गुरदास मान पक्का नाम अते उर्फ बब्बू इहनू कहिंदे हन। ये बंदा दस्सिया जा रहा है कि परागपुर दा है ते दूजा व्यक्ति जिहड़ा गिरफ्तार किया गया मौके ते उसका नाम है राजा कुमार। ये दस्सिया जा रहा है कि डेरा बस्सी दा है। इस संबंधी जदों साडी गल्लबात जाड़ला चौंकी इंचार्ज बिक्रमजीत सिंह होना ना होई तो उन्हें दस्या कि गिरफ़्तार किए हुए व्यक्तियों के बयान के आधार पर 2 तस्करां ते हुण परचा दर्ज होया है। उन्हां विच्चों एक व्यक्ति का नाम है रमन कुमार जो दस्या जा रहा है करत्तेवाल दा, ते दूजे का नाम है प्रिंस जो कि नीलेवाला का रहने वाला है। SHO ने दस्या कि उन्होंने गुप्त सूचना मिली एक मुखबर तो, उन्होंने एक्साइज ऑफिसर नाल लैके जब नाकेबंदी की तो जाड़ला नहर के पुल के कोल 2 गड्डियां रोकया गया तो 90 शराब दीआं पेटियां बरामद की गई। तकरीबन 1,080 बोतल हैं और इन्हां दी कीमत तकरीबन 2 लाख है। ये लोग जिहड़े आ इह चंडीगढ़ तो सस्ती शराब लिया के और पंजाब विच जिहड़ी वेचदे आ। उन्होंने कहा कि हले वेरीफाई करना बाकी है कि रूट किहड़ा किहड़ा है, कित्थे कित्थे जाके शराब नूं डंप करदे आ। इंज वी जापदा है कि छोटे छोटे व्यापारियों नूं शायद शराब बेचदे होण। उन्हें यह भी दस्या कि ये लोग शराब की इस तरीके तस्करी करके एक्साइज ड्यूटी अते पंजाब सरकार नूं जिहड़ा रेवेन्यू आना उस विच वड्डा घटाला करदे आ। उन्होंने कहा कि जिन्हां दे नाम परचा दित्ता है बाय नेम वह पहला भी शराब की तस्करी विच इनवॉल्व हन, उन्हां ते पहला भी कार्रवाइयां हो चुकी हन, मामले दर्ज हैं। और हुण उन्होंने कहा कि असी 3 दिन का जिहड़ा आ रिमांड मंगांगे इस केस विच। और इंज भी जापदा कि हो सकदा जिहड़ियां पुरानियां जमानतां वो शायद रद्द हो जाण। तां हुण एक वारी असी वेरवा देखदे हां इस खबर दा ते उस तो बाद टिप्पणी जरूर करांगे। एक वारी तस्वीरां दिखाने हां। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਟਾਟਾ 407 HP ਨੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਉਰਫ ਬੱਬੂ ਡੇਰਾ ਵਸੀ ਲਾਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਹੈਲਪਰ ਸੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਾਈਜ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮਰ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਧਾਰਾ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 61 14
एक्साइज एक्ट से 420 IPC क्योंकि चंडीगढ़ की शराब इतने लोगों को धोखे न लिया के बेचते थे जिद के सरकार की एक्साइज ड्यूटी भी ये खा रहे थे। ये पिछे जो ग्रोह है जो शराब लैके बेच रहा अपना वो वेरीफाई कर रहे ट्रेस कर रहे हैं। दो बंद बाई नेम असं परचा भी देता की नाम है उन्होंने उसका नाम रमन कुमार पुत्र राज कुमार बसी जट माजरी एक के नाल मुंडा प्रिंस है कोई नीलेवाड़ा का जेडे इन्हों के नाल कार 520 कार दे विच पायलट लगा के एक गड्डी लैके आते हैं। हाँ जी अपना अगे एक शराब कितों लैके आए कितने कितने अगे बेचनी है वो बारे इन्वेस्टिगेशन का पुलिस रिमांड लवेंगे पूछगिछ करा इस ग्रोह के होर कि इन शामिल है उन्होंने बच्चे शामिल करा तो उन्होंने FIR नामजद करा कारों 10 पेटियां मार्का कड़ी कार कड़ी है कार I-20 जी शराब फड़ी है यह मार्का कड़ा है ये मार्का 999 पावर स्टार फाइन विस्की फॉर सेल एंड ड्यूटी चंडीगढ़। पुलिस प्रशासन का तो यह भी कहना है ये ब्लैकीए ने पुराने पापी ने और इन्हों के पहला भी मामले दर्ज है पर जिहड़ी सरकार नवी सरकार बनी है वह बार बार चेतावनियां देती है कि माड़े काम छड्ड दो नहीं तो तुहानू शिक्के ते टंग देंगे बख्शिया नहीं जाएगा पर यह जड़े लोग ने जड़े समगलर ने ब्लैकीए ने यह बाज कित्थों आउंदे ने तस्कर बाज कित्थों आउंदे ने कि असी इस नूं भी बेरोज़गारी नाल जोड़ के देखांगे कि जी होर कोई काम है नहीं तो असी यह काम कर लग पे। ये मैं क्यों कह रहा क्योंकि दस्या जा रहा कि इन्हां ते पहला भी मामले दर्ज है जे पहला भी मामले दर्ज है मतलब गलती बार बार दोहराई जा रही है जे गलती बार बार दोहराई जा रही तो इट मीनस ये पैसा भी ज़्यादा होना तो ये इन्हों शायद मज़ा भी जाता ज़्यादा आता होना और शायद इन्हों भी लगता होना कि कोई गल नहीं दो चार दिन अंदर आवेंगे बाहर तो आ ही जाना जमानत तो मिल ही जानी है असी काम बंद नहीं करना। पर जी आम पब्लिक देख रही असं उन्होंने कहना चाहते जब तुम छोटे छोटे व्यापारियों तो शराब खरीदते हैं तो तुहानू किवें गरंटी है कि शराब में शायद मिलावट ना की हो क्योंकि जब एक व्यापारी को शराब पई होंगी है उत्थे ना तो कोई CCTV कैमरा है ना तो कोई गरंटी है कि उन्हें मिलावट ना की हो सकता क्योंकि मैंने पहले पता लगे कि जो छोटे छोटे व्यापारी है ढक्कण खोल देंगे आ सीधा जड़ तो ढक्कण पट लेंगे तो उस मिलावट भी की जाती असी 2019-20 भी किस्से सुने से कि मिलावटी शराब पीन करके लोगों की जान चली गई जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े CMC पंजाब के शराब पीनी कितो भी बहुत माड़ी है असं ये नहीं कहते कि ठेके तो शराब पीओ चंगी गल है शराब पीनी माड़ी है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ी सी जिदे आधार पर दस रहा कि फरवरी 2016 हर रोज़ 2,390,000 लीटर जी शराब है वो पंजाब लिए प्रिपेयर की जाती सी तो असं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा रोज़ असी शराब पीण ते बर्बाद कर दें और ठेके कभी खाली नहीं होंगे फिर दूजे दिन फिर शराब जी पीनी पैंदी है क्योंकि मन में झटका होंगे मन में थोड़ा हुलारा देना होंगे तो वो असी फिर तो सारा दिन दिहाड़ी करते हैं तो शाम को शराब खरीद लें। पर जी आम पब्लिक देख रही है मैं उन्होंने ये कहना चाहना जे तुम रोज़ 1,000 रुपए की शराब पीते हो तो एक गल ध्यान रखो जे उन्या पैसों का राशन घर लेके जाऊंगे तो बच्चे कदे भुखे नहीं मरूंगे तो बच्चे की पढ़ाई में कभी किल्लत नहीं आऊगी कभी कोई ऊणताई नहीं रहेगी इस करके शराब पीना बंद करो और दुध पिया करो तो बच्चों को भी दुध पिलाया करो तो बच्चों को भी भर पेट खाना खिलाया करो देखो तुहानू कितनी तसली मिलेगी। ऐदा नहीं है कि तेजी ना पैसे कमाने की लालसा पंजाबियों में पंजाब च ही है पंजाबी जो अमरीका वर्गी कंट्री भी चले जाते हैं उत्थे जाके भी सोचते हैं कि तेजी नाल पैसे कमा लिए और तेजी का जिहड़ा राह है हमेशा ही सानू पिछे वालू धकेल दिंदा काली अगे टोए वाली गल हो जाती है। खबर यह है जी कि दो पंजाबी ट्रक ट्रेलर टमाटर ना लद्या होया जिहड़ा ट्रेलर है वह लैके जा रहे थे पुलिस ने नाके ते रोकिया जदों उन्होंने गलबात की तो जो ये बंदे जिहड़े आ पंजाबी एक घबरा गए हड़बड़ाहट में आ गए वो थोड़ा शिवर कर लगे पुलिस को शक होया तो पुलिस ने जब टमाटर ना लद्या होया जिहड़ा एक ट्रेलर चैक किया तो विच्चों 230 pounds जिहड़ी आ कोकीन बरामद हुई और इस कोकीन की कीमत $10.5 million दसी जा रही है और जिहड़े गिरफ़्तार किए गए इन्हों एक का नाम नानक सिंह है तो दूजे का नाम प्रकाश यादव है और ये लोग जिहड़े आ हुण उत्थे हिरासत में पर गल फिर उही करनी चाहांगे कि जो कोई दुबई वर्गी कंट्री भी फड़िया जाता शराब की तस्करी करता तो उन्होंने मुड़ के वीज़ा नहीं मिलता और जो विदेशी कंट्री में कोई नशे की समगलिंग करता है तो उन्होंने बहुत वड्डी वड्डी जिहड़ी सज़ा मिलती है और वह तौबा कर जाते हैं पर साढ़े इत्थे हया क्यों खुलता जा रहा तुहानू पता ही है कि जिन्हों अज अंदर करा दो जिन्हों अज पुलिस ने अंदर किया अंदर यही होना मन च
कि मैं चार दिन बाद बाहर आ ही जाना फिर की हो जूगा। तो ये चीज़ जी दूर करनी बहुत जरूरी है, कमी पेशी है जी ये दूर करनी बहुत जरूरी है। और जे किसी की काउंसलिंग करके उसका सुधार हो सकता है, क्योंकि ये गल तो है ही है कि पंजाब बेरोज़गारी बहुत है, जिदे करके नौजवान नशिया वालों लगे हुए आ। जे कि बेरोज़गारी हट जाए तो शायद साडा पंजाब जिहड़ा आ ये रंगला पंजाब बन जाए। पर तुहानू मैं यही कहना चाहूँगा कि तुसी जिहड़ी है शराब नहीं पीनी, उहदे बदले कर राशन लै जाओ।